नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज खबर यूपी के आजमगढ़ से है। पुलिस मुठभेड़ में शहर के समीप चोरी की 9 बाइक, एक तमंचा कारतूस संग अंतर जनपदी गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ थाना कोतवाली में पुलिस मुठभेड़ में अंतर जनपदी वाहन चोर गिरोह के 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 9 मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने 2 बदमाशों को, वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम अनीस सिंह, दूसरा आदर्श कुमार सिंह है। इनके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा के साथ साथ चोरी की 9 बाइकें बरामद हुई हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। कोतवाली में अंतर जनपदीय वाहन गिरोह का पर्दाफाश हुआ, क्या मामला है सर? देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में बीच में जब चुनाव चढ़ा था तो कुछ मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायतें आई थी। उस समय फोर्स भी चुनाव में लगाया तो इसके लिए इंस्पेक्टर कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और उस टीम को आज सफलता हासिल हुई है। इसमें पुलिस मुठभेड़ में 2 अंतरजनपदीय चोर, वाहन चोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। इनके पास से 9 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें से 4 जनपद के आइडेंटिफाइड हैं और बाकी के बारे में तलाश किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी सफलता है और इससे निश्चित रूप से जो चोरी की मोटरसाइकिलें हैं उनके चोरी पर लगाम लगेगा।